नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है ट्रेवल के एक और एपिसोड में। यदि आपको अहमदाबाद घूमना है तो आपके लिए गुजरात टूरिज्म की तरफ से ये पिंक ट्रेवल की डबल डेकर बस जो गुजरात टूरिज्म के द्वारा चलाई जाती है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये बस आपको साबरमती गांधी आश्रम से बोर्ड करनी होगी और यह बस आपको लगभग अहमदाबाद के सभी टूरिस्ट स्पॉट को जोड़ते हुए सभी चीज़ों को दिखाते हुए विथ गाइड, आपके साथ गाइड मौजूद रहेंगे, सभी को दिखाते हुए आपको ये शाम तक लगभग 4 बजे तक आपको ये घुमाती है। टिकट का कॉस्टिंग जो हुआ 500 रुपया पर पर्सन आपको मिलेगा और आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हैं या फिर ऑफलाइन। यदि सीट रहेगी तो टोटल सीट कैपेसिटी इसकी 41 है, लेकिन यदि सीट रहेगी तो आप यहाँ बस जहाँ से बोर्ड करेंगे साबरमती आश्रम या गांधी आश्रम, दोनों एक ही जगह पर है, आप वहीं पर आकर के ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। यदि सीट अवेलेबल रहेगी तो आपको ऑफलाइन टिकट भी 500 रुपये में मिल जाएंगे। सप्ताह में 6 दिन चलाई जाती है, मंडे को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन ये बस चलाई जाती है। इस बस के बारे में, इस बस की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, ये बस साबरमती आश्रम और गांधी आश्रम जो दोनों एक ही जगह है वहीं से ये 9 बजे बस खुलती है। 8:45 में इसका यहाँ आने का समय है और ये टोटल 10 टूरिस्ट स्पॉट को कवर करती है और आपको ये 9 बजे से लेकर लगभग शाम के 4-5 बजे तक घुमाएगी। और इसकी टिकट जो है सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होती है, आप gujarattourism.com पर जाके वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और इसका कॉस्टिंग जो है पर पर्सन 500 रुपया आपको पड़ेगा। सबका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। गुजरात टूरिज्म और पिंक ट्रैवल्स दोनों की ओर से मैं आपका टूर गाइड, मेरा नाम है अनंत भावसार और मैं अगेन हार्दिक स्वागत है। इसमें हम लोग अहमदाबाद का साइट सीन करेंगे, अहमदाबाद के बाहर वाला कुछ भी नहीं, एक्चुअल अहमदाबाद क्या तो ओल्ड अहमदाबाद जो साबरमती रिवर है उसके ईस्ट साइड में जो है वो ओल्ड अहमदाबाद है और ओल्ड अहमदाबाद पुराना अहमदाबाद और वेस्ट साइड में है वो नया अहमदाबाद है, दोनों में कल्चर अलग है। सबसे पहले शुरुआत तो करेंगे हम गांधी बापू को नमन करके। सामने गांधी बापू है, महात्मा गांधी जी, और उनका जो वॉल मिरर बनाया है देखिए जी जी, उसमें जो ब्राउन डॉट डॉट है जी वो टेराकोटा लेम्स से बनाया गया है, मिट्टी के दिए, कुल्लड़ जैसे दिए आता है ना, हाँ। एक कुल्लड़ जैसे मिट्टी के दिए बनाए हैं। इसके पीछे देखिए जो ब्लू चादर ढकी हुई है जी, जी पीछे पानी की टंकी जैसा लग रहा है ना, हाँ। ये पानी की टंकी नहीं है एक्चुअल में, ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ऊपर। अच्छा, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वो सामने रेस्टोरेंट है जो बीच में जो भूले मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखते है, तो एक एपिसोड है इसका। तकरीबन 20 मिनट डबल डेकर बस चली है, उसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचे हैं, वो है यहाँ का रिवर फ्रंट। जो यहाँ का रिवर फ्रंट है उसी को अभी हम लोग देखने के लिए, तो हमारे जो गाइड दादा थे उन्होंने पूरा डिटेल बता दिया और बोला उन्होंने कि 10 मिनट आपके पास है, 10 मिनट में आप जाके वहाँ से फोटोग्राफी कर सकते हैं। बोटिंग होता है लेकिन वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बोटिंग का टाइम शायद लेट से शुरू होता है। उनके पूरे बातों को कवर करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए
ये आपको यहाँ यदि आप इस टूर को कर सकते हैं तो अब आप आके यहाँ के टूर का फील ले सकते हैं। भद्र, भद्र का मतलब होता है अच्छा, दूसरा मतलब होता है चंद्र। 1411 में सुल्तान अहमद शाह का कैपिटल सिटी है पाटन से शिफ्ट करके यहाँ आए। पाटन जो रानी की वाव के लिए फेमस है। 100 रुपीज़ की नई नोट है ना, इसके पीछे देखिए जो टेम्पल है पाटन की रानी की वाव, 130 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ से अहमद शाह यहाँ आए और इस शहर का नाम कर्णावती था, उसको चेंज करके उन्होंने नाम दे दिया अहमद ए आबाद, अहमद ए कर्णावती, कर्णावती। फिर हो गया अहमद ए आबाद, समय जाते हो गया अहमदाबाद। कायदा मंदिर तो गायकवाड़ा जवान में है और अभी भी इसके अंदर में ये मंदिर, ये अहमदाबाद की नगर देवी है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, इसका दर्शन करना चाहिए, दर्शन करके आइए। अभी ऑलमोस्ट 11:40 हुआ है और हम लोग पहुँचे हैं कांकरिया लेक। वहाँ पे गाइड जो दादा है, गाइड दादा ने बताया कि आप इस कांकरिया लेक में 1 से 1.5 घंटे आप बिता सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से जो सामने देसी गेट से एंट्री लेंगे वहाँ से आपको 10 रुपये की टिकट लेनी होगी, एडल्ट 10 रुपये की और चाइल्ड के लिए 5 रुपये का टिकट आपको मिलेगा और यहाँ से आपको एंट्री मिलेगा। यहाँ से आप एंट्री लेकर अंदर कांकरिया लेक पूरा घूम सकते हैं और यहाँ पर आप बाहर में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं। कांकरिया लेक के अंदर में आप ये रेल यात्रा भी कर सकते हैं, टॉय ट्रेन की तरह दिखता है। ट्रेन का टिकट है एडल्ट का 30 रुपये का, चिल्ड्रेन 12 रुपये का और एजुकेशनल ट्रिप जो है उसका भी प्रिंसिपल मैनेजर है, उनको 12 रुपये देने होंगे। एकदम से अलग वाइब है इस ट्रेन का, एकदम से बहुत ही अलग, एकदम धीरे 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 पूरे कांकरिया लेक आपको घुमाएगी चारों तरफ, एकदम धीरे धीरे, एकदम एक अलग एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता है देखने को। ट्रैक है इसी पे ये टॉय ट्रेन चल,
आधे घंटे की ट्रेन राइड होती है काकरिया लेक में, लगभग पूरे काकरिया लेक को आपको घुमाने में कम से कम तकरीबन आधे घंटे का समय लग जाता है। काकरिया लेक के चारों तरफ आपको रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों को खेलने के लिए एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें काकरिया लेक में आप आके कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका 130 रुपये पर पर्सन है। वो बोट है जो आपको लेके घुमाती है पूरे काकरिया लेक। करंट वक्त हो रहा है 2:55, 3 बजे। हमने जहाँ गांधी आश्रम से टूर को शुरू किया था वहीं पे हम 3 बजे लंच के लिए पहुँच रहे हैं। ये आप हमारे पीछे गुजरात टूरिज्म का होटल तोरण देख सकते हैं, ये गुजरात टूरिज्म का ही होटल है। इसी में हम लोगों को लंच के लिए बोला गया है। आपकी मर्जी, यदि आप यहाँ चाहें तो लंच कर सकते हैं या फिर आप बाहर भी जाकर कहीं और लंच कर सकते हैं। यहाँ आपको सलाद मिलता है, प्याज, नींबू, अचार, सूजी का हलवा, ये है बैगन, आलू की सब्जी, ये काबुली चना की सब्जी, चावल, दाल, और क्या मिलते हैं इसमें, कुछ रोटी और ये पापड़। अच्छा, गुजरात टूरिज्म के इस तोरण होटल में सर्विस देखने को मिलेगा। यहाँ पर खाना आप खुद से निकाल के पीछे खा सकते हैं, और सिर्फ आपको एक ऑप्शन है, 200 रुपये में अनलिमिटेड थाली आपको यहाँ मिलेगा। आपको वही खाना होगा जो स्पेशली गुजराती थाली होती है, वही आपको यहाँ 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। यहाँ आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का समय मिलता है, आराम से आप गुजराती थाली खाइए 200 में पर पेट। इसमें आपको सेल्फ सर्विस यहाँ मिलेगी, आपको यहाँ कोई देने वाला नहीं, आप खुद आके सभी काउंटर से आप लीजिए और सभी अब आराम से जितना मन जो चीज़ देना है आपको, रोटी, चावल, गुजराती दाल, जो चीज़ मन खाना हो, सब्जी, सलाद, जैसे खाना हो आप आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ है अपने पास लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय, आराम से खाएंगे, फिर आराम से जो बचे हुए टूरिस्ट स्पॉट है उसको आज देखेंगे। हमारे गायब दादा जो है वो इतने अच्छे से और इतने डिटेल में समझाते हैं कि सारी चीज़ें को वीडियो में दिखा पाना उतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एक बार अपनी लाइफ में कम से कम इस टूर का एक्सपीरियंस एक बार आप जरूर, जब भी अहमदाबाद आएँ तो इस टूर का एक्सपीरियंस आप जरूर करें। हमारे साथ एक यूपी के भैया मिले हैं जो हमारे ही टूर में हमारे साथ हैं। ये भैया है तो भैया, आपको कैसा लगा टूर के बारे में? उसमें बहुत मज़ा आया, और पूरा अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ख़ास तौर पर यह है कि आप इस बस का जो हम बस टूरिस्ट बस थी इसका उपयोग जरूर करें भैया, तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों पर आप घूम पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और भैया, यहाँ का भी जो खाना आप खा रहे हैं, ये खाना कैसा है आप इसको बता सकते हैं? ये 200 में खाना आपको कैसा लग रहा है? खाना एकदम फैमिली, मतलब जैसे आप घर पे खाते हैं, जब अभी गर्मी का मौसम है जैसे, तो गर्मी के मौसम में सादा खाना खाएंगे तो सादा खाने के हिसाब से 200 रुपये में बहुत इनफ खाना है और भर पेट खा सकते हैं आप, और ना ज़्यादा तेल मसाले, तो आपकी डाइट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, थैंक यू भैया। तो तोरण होटल में हम लोगों ने वहाँ लंच किया, और लंच करने के बाद हम लोग जस्ट तोरण होटल के सामने ही आप साबरमती आश्रम देखेंगे, तो वहाँ हम लोग घूमने आ गए हैं। पूरा पीछे आप साबरमती आश्रम और गांधी आश्रम आप देख सकते हैं।
दैट्स ऑल गाइस, तो यहाँ पे इस टूर को ख़त्म करते हैं। हमारे गाइड दादा जो थे वो तोरण पीछे, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहीं पे पीछे में वहीं पे वो तोरण होटल है और उसी के जस्ट सामने ये जो आप पीछे देख रहे हैं यही है साबरमती या गांधी आश्रम, इसी को बोलते हैं। तो हमारे गाइड दादा बोले कि आप लोग लंच करिए और लंच करके आप लोग वेट करिए, फिर आएंगे, फिर हम आपको ले चलेंगे। लेकिन वहाँ में जो अंकल अंदर जो हमारे साथ कुछ अंकल लोग जो अभी घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अंदर घूमने के लिए आप अकेले भी घूमने जा सकते हैं, इनके लिए कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अकेले घूम के आ गए हैं, सब कुछ कर देख के अंदर से आ गए हैं और टूर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो आज के ब्लॉग में बस इतना है, इस टूर को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और यदि आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो वर्चुअली आप हमारे साथ ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में।